आपको अगर किसी को केस को जल्दी निपटाना है तो आपको भी सतर्क रहना है, ना कि आपको वकील के भरोसे रहना है। अगर आपके केस में जल्दी निपटाना है तो आपको हर तारीख पे सिपर उपस्थित होना है, हर तारीख पे आपको कोर्ट जाना है। अगर आप लापरवाही बन जाओगे तो आपका केस लंबा खिंचता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केसों में हम देखते हैं कोर्ट में बहुत सारे मुलजिम उपस्थित नहीं होते, कभी कभी उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त का होने का मतलब एक साल डिले होना। इसलिए आपको अगर 498 हो या कोई से 125 हो, टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन अब होने जा रहा है, क्योंकि अब हो सकता है कि इतने केस पेंडिंग हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स लगातार कोर्ट्स को निर्देश देती हैं कि आप इन केसों का जल्दी निपटारा करें, समय पर इनकी सुनवाई करें। तो अब शायद 498 हो या कोई से भी केस हो, लोक अदालत की भावना से इनको राजीनामा के तहत निपटाया जा रहा है, इन प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि जल्दी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका हो जाएगा और टाइम भी फिक्स हो जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन ला सकती है या लाने जा रही है, जो कि जिस प्रकार के केस है 3 साल या 7 साल के ऊपर, उन पर फिक्स टाइम भी कर सकती है, फिक्स मान जल्दी सुनवाई का अधिकार दे सकती है, जल्दी सुनवाई कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका केस है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके वकील के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा, जब भी आपका केस जल्दी निपटा जा सकता है, जल्दी समाप्त हो जा सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।